अनुराग भारी आवाज में खुद से कहता है, ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? किसे बता रहा है कि कामेश्वरी यक्षिणी कहाँ पर है? असली अनुराग चुप ही रहता है, वो भक्षानर से कुछ नहीं कहता है। भक्षानर का अंश अनुराग पर दबाव बनाते हुए फिर पूछ पड़ता है, तू चुप क्यों है? बोल, कौन है यहाँ पर? किसे बता रहा था तू कि यक्षिणी कहाँ पर है? अनुराग अपनी आवाज में खुद से कहता है, यहाँ पर तेरे और मेरे सिवा और कौन है भक्षानर? मैं तुझे ही बता रहा था वो बात। अनुराग भारी आवाज में खुद से पूछता है, मुझे बता रहा था पर क्यों? अनुराग अपनी आवाज में कहता है, वो आज पूर्णिमा है ना, तो मुझे लगा कि तू चित्रा को ढूंढने के चक्कर में यक्षिणी के लिए शिकार लाना ना भूल जाए, इसलिए तुझे याद दिलवा रहा था। अनुराग गुस्से के साथ भारी आवाज में कहता है, तुझे मुझे कुछ भी याद दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ और अपने दुश्मनों को तो कभी नहीं। असली अनुराग चुप ही रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। जब अनुराग का कुछ जवाब नहीं आता है तो वो भक्षानर अपनी आवाज में बोल पड़ता है, लगता है वापस से कमजोर पड़ गई इस अनुराग की आत्मा, इसलिए अपने आप चुप हो गया। अब मुझे भी चित्रा को ढूंढने के लिए जल्दी निकलना होगा, वापस आकर यक्षिणी के लिए शिकार का इंतजाम भी करना है। इतना कहकर अनुराग हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी अनुराग दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। अनुराग के राइट पैर में हद से ज्यादा दर्द होने लग जाता है, वो दर्द से कराहने लग जाता है। जब अनुराग अपने राइट पैर की पैंट को ऊपर तक खिसकाता है तो देखता है कि उसके घुटने से खून निकलने लग गया था, वो इतनी तेज फिसल गया था। वो पुरानी चोट जो पंचिम गांव जाने के बाद उसके राइट पैर में लगी थी, वो वापस से ताजा हो गई थी। अनुराग खुद से भारी आवाज में कहता है, इस चोट को अभी लगना था क्या? ये इंसानी जीवन भी ना, मन तो करता है इस अनुराग को मार दूं और पूरी तरह इसके शरीर पर अपना वश कर लूं, पर क्या करूं, अभी ये मेरे और भी बहुत काम आने वाला है, मैं इसे इस तरह नहीं मार सकता, पर वक्त आने पर एक दिन मैं इसका अंत जरूर करूंगा। इतना कहकर अनुराग वापस से खड़ा होता है और लंगड़ाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने लग जाता है। अनुराग पुलिस स्टेशन जाता है और उसे वहां पर चार्ली मिलता है, जिसके पास वो चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वापस आते वक्त उसे बस स्टैंड के पास प्रशांत की पत्नी पाउली और बेटी बिंदु मिलती है। भक्षानर का अंश जानता था कि उसे अनुराग का उपयोग कब करना है, इसलिए चार्ली से बात करते वक्त और पाउली से मिलते वक्त वो उसकी आत्मा को जगा दिया करता था और उस वक्त अनुराग ही उन सब से बातें किया करता था। सब कुछ वैसा ही होता है जैसा युग ने उस कहानी में पढ़ा था जो उसने अनुराग के पेन से लिखी थी। कुछ ही देर में अनुराग वापस से ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाता है। अनुराग खुद से बातें करते हुए भारी आवाज में कहता है, अच्छा हुआ मुझे बस स्टैंड के पास वो सरपंच रतनपाली मिल गया था, अब वो चित्रा की ऐसी बदनामी करेगा कि मजा आ जाएगा। ये इंसान भी ना अजीब होते हैं, इन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है। अब वो सारे गांव में अफवाह फैला देगा कि चित्रा किसी के साथ भाग गई है। मन तो कर रहा था मैं उसी वक्त उसे बता दूं कि चित्रा जिसके साथ भागी है वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत है, पर इस अनुराग के कारण मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, इस डर से कि कहीं उसे शक ना हो जाए कि मैं अनुराग नहीं कोई और हूं। अनुराग कुछ और सोचते हुए भारी आवाज में कहता है, पर जो भी हो, पाउली के मिलने से मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि मेरा शक सही था। ये सब उस चित्रा और उस प्रशांत की मिलीभगत है, उन दोनों ने मेरे साथ ये चाल चली है, पर मैं उन्हें इनकी इस चाल में कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ढूंढ निकालूंगा उन दोनों को और फिर उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी सात पुश्तें तक उस सजा को भुगतेंगी। इतना कहकर अनुराग अपनी जेब में हाथ डालने लग जाता है। अनुराग अपनी जेब से कुछ और नहीं बल्कि डायन समुदाय का हरा हीरा निकालता है। अनुराग उस हीरे को देखते हुए खुद से भारी आवाज में कहता है, पहले मैं इस हीरे को सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ, उस चित्रा के डर से इसे मैं अपने साथ ही ले गया था, मुझे डर था कि कहीं वो इसे मुझसे चुरा न ले। खैर, अगर वो इसे मुझसे चुरा भी लेती तो वो जानती थी कि मैं युग को छोड़ता नहीं, उसी वक्त बिसाहत तोड़कर उसे मार देता। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, इस हीरे को मैं वहां पर रखता हूँ, उससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं होगी, उसके बाद मैं यक्षिणी के लिए शिकार लेने जाऊंगा, वरना वो कमजोर हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो कमजोर हो, क्योंकि आने वाले वक्त में मुझे उसकी शक्तियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर अनुराग रूम नंबर 666 की तरफ जाने लग जाता है। अनुराग रूम नंबर 666 के अंदर कदम रखने ही वाला था कि तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि जिसे देखकर वो रूम नंबर 666 की दहलीज पर ही खड़े हो जाता है, अंदर नहीं जाता है। अनुराग मन में सोचता है, मेरे जाने से पहले ये कमरा ऐसा तो नहीं था, और जितना मुझे याद है इसका दरवाजा भी पूरी तरह से खुला हुआ था, ऐसे टिका हुआ नहीं था।
रूम नंबर 666 पर फर्श पर जो किताबें पहले एक के ऊपर एक बिखरी हुई थी वो अब उस जगह पर से हट गई थी और कमरे के अंदर जाने का स्पेस बन गया था। इतना स्पेस कि कोई भी इंसान बड़ी आसानी से उस कमरे के अंदर जा सकता था बिना किसी किताब पर पैर रखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन किताबों को फर्श पर से हटाया हो। अनुराग कमरे की हालत देखते हुए फिर मन में सोचता है, मुझे अच्छे से याद है जब मैं यहाँ पर आया था तो किताबें कुछ इस तरह बिखरी हुई थी कि कमरे के अंदर कदम तक रखने की जगह नहीं थी, पर अब तो मैं इस कमरे के अंदर आसानी से जा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। वो तुरंत उस हरे हीरे को वापस से अपनी जेब में डाल लेता है। अनुराग जानबूझकर कमरे के अंदर ऐसे घुसता है जैसे उसे किसी चीज की भनक ही नहीं लगी हो, वो एकदम नॉर्मल रहता है। अनुराग कमरे के अंदर कदम बढ़ाते हुए भारी आवाज में कहता है, चित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखवा ली मैंने पुलिस स्टेशन में, अब यक्षिणी से मिल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, आज मैं खुद उसे ही शिकार करने के लिए घाट पर ले चलता हूँ। इतना कहकर अनुराग फर्श पर बैठने लग जाता है। जिस वक्त वो बैठ रहा था उसी वक्त वो तिरछी नजर करके पीछे देख लेता है। जैसे वो पीछे नजरें करता है उसे किताबों की रैक के पीछे दो आंखें नजर आती हैं जो एक टक उसे ही देखे जा रही थी। उन आंखों को देखकर अनुराग मुस्कुराने लग जाता है जैसे वो अच्छे से पहचानता था कि वो आंखें किसकी थी। अनुराग मन में बड़बड़ाता है, ये तो यहीं पर है, इसे कहते हैं बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। इस अनुराग के शरीर में रहकर तो अब मैं भी लेखकों की तरह बातें करने लग गया हूँ। अनुराग के शरीर के अंदर समाये भक्षानर का अंश समझ गया था कि जाते वक्त अनुराग ने जो बात उससे बेवजह कही थी वो किसके लिए थी, किसके लिए अनुराग ने चालाकी के साथ संदेश छोड़ा था। अनुराग फर्श पर पालथी मारकर बैठ जाता है। रैक के पीछे अनुराग को जो आंखें नजर आई थीं वो किसी और की नहीं बल्कि प्रशांत की थी। रैक के पीछे प्रशांत ही छुपा हुआ था जो काफी डरा हुआ था। उसके अंदर इतना ज्यादा डर समाया हुआ था कि उस डर से वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदे थी और कपड़े पूरे पसीने से भीगे हुए थे। हॉल के अंदर जो आहट पहले अनुराग को सुनाई दी थी वो भी किसी और की नहीं प्रशांत की थी जो सोफे के पीछे छुपा हुआ था, जिस कारण वो अनुराग को नजर नहीं आया था। प्रशांत मन में सोचने लग जाता है, अनुराग के कहने पर मैंने इस पूरे कमरे में यक्षिणी को ढूंढ लिया पर वो यक्षिणी मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। पता नहीं इस रूम नंबर 666 के अंदर अदृश्य कमरा कहां पर है, मुझे तो यहां पर कोई भी अदृश्य कमरा नजर नहीं आ रहा है। अनुराग भारी आवाज में मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। जैसे ही अनुराग मंत्र पढ़ना शुरू करता है फर्श पर जितनी भी किताबें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई थी वो सारी किताबें राइट साइड में चली जाती है। वहाँ पर किताबों का ढेर बन जाता है, फर्श पूरी तरह खाली हो जाता है। अनुराग मंत्र पढ़ना जारी रखता है और देखते ही देखते फर्श पर ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान अपने आप बनने लग जाता है। प्रशांत मन में सोचने लग जाता है, ये क्या हो रहा है, आखिर ये भक्षानर कर क्या रहा है। फर्श पर जो आंख का निशान बना हुआ था उसके अंदर की काली पुतली घूमने लग जाती है जो कि आहट थी कि अदृश्य कमरे का द्वार खुल चुका है। अनुराग उसी वक्त अपनी जगह पर खड़े होता है और उस पुतली के अंदर कूद जाता है। जब प्रशांत अनुराग को उस पुतली के अंदर घुसते हुए देखता है तो एक पल के लिए तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्रशांत खुद से बड़बड़ाने लग जाता है, ये भक्षानर कहां पर चले गया, कहीं यही तो वो अदृश्य कमरे में जाने का रास्ता नहीं जिसके बारे में जाने से पहले अनुराग मुझे बता कर गया था। प्रशांत घूमती हुई पुतली को ही दूर से देखते रहता है और उसे देखते हुए डर के साथ कहता है, क्या करूं, इस भक्षानर के पीछे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पर मैं यहां पर रुका तो यक्षिणी को ढूंढने के लिए था ना, उसे कैद से आजाद कराने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस अदृश्य कमरे तक जाने का रास्ता भी उसी मंत्र से खुलता है जो अभी भक्षानर ने पढ़ा था। मुझे नहीं लगता है कि उस मंत्र के बिना ये रास्ता खुलेगा भी। प्रशांत सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, अनुराग के पीछे जाए कि नहीं। इस बारे में बहुत सोचने के बाद वो फैसला ले ही लेता है। प्रशांत बड़ी बहादुरी के साथ कहता है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, बस एक बार मुझे यक्षिणी दिख जाए फिर मैं उसे आजाद कर दूंगा और फिर इस भक्षानर का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चित्रा भाभी भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएगी। हो सकता है कि लेखक बाबू के रूप में मैंने जिस दोस्त को पाया था वो दोस्त भी मुझे वापस मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ प्रशांत आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम आगे बढ़ाता है और फर्श पर बनी आंख की पुतली के अंदर कूद जाता है। इस तरफ जब अनुराग अदृश्य कमरे के अंदर पहुंचता है तो कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद अंधेरे में रुक जाता है जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि अनुराग का शरीर तक नजर नहीं आ रहा था, नजर आ रही थी तो बस अंधेरे में चमकती उसकी दो पीली आंखें। अनुराग भक्षानर की आवाज में मन में सोचने लग जाता है,
वो प्रशांत आएगा कि नहीं आएगा, कहीं उसे पता तो नहीं चलगा कि मैंने उसे देख लिया है। अनुराग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के नीचे कूदने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के साथ ही अनुराग को कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। वो आहट किसी और के कदमों की नहीं बल्कि प्रशांत की थी। उस आहट को सुनकर अनुराग मन ही मन खुश होने लग जाता है और अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग अदृश्य कमरे में पहुंचता है और मशाल जला देता है जिससे उजाला होने लग जाता है। जैसे ही उजाला होता है एक बड़ी सी रैक नजर आती है जिसमें 64 खाने थे। उस रैक के खानों में अलग अलग शक्ति से बनाई गई कांच की बोतलें रखी हुई थी। वो रैक आधी से ज्यादा बोतलों से भरी हुई थी और उसी रैक में बिजली की शक्ति से बनी बोतल थी जिसके अंदर कामेश्वरी यक्षिणी कैद थी। कामेश्वरी यक्षिणी काफी कमजोर लग रही थी पर उस कमजोरी में भी उसकी खूबसूरती बरकरार थी। वो आज भी उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी जितनी पहले लगा करती थी। अनुराग उस रैक के पास चले जाता है। प्रशांत अनुराग के पास पहुंचने से पहले ही कुछ दूरी पर रुक जाता है और वहीं से छुपकर अनुराग को देखने लगता है। जब प्रशांत की नजर उस रैक के अंदर रखी बोतलों पर पड़ती है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई चीज देख रहा था। वो मूर्ति बनकर वहां पर खड़ा हो जाता है। प्रशांत मन में सोचता है, आखिर ये सब क्या है? इतनी सारी बोतलें यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये भक्षानर इन बोतलों से क्या करना चाहता है? प्रशांत उन बोतलों को बड़े गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर जिस बोतल में कामेश्वरी यक्षिणी कैद थी उस पर पड़ जाती है और वो बड़बड़ाते हुए खुद से बोल पड़ता है, वो बोतल के अंदर जो औरत कैद है कहीं वही तो यक्षिणी नहीं है? हाँ वही होगी, कितनी सुंदर है ये। सच कहते थे लोग, जो भी यक्षिणी को एक बार देख लेता है उसका दीवाना हो जाता है, जिस तरह मैं हो रहा हूँ। जब प्रशांत यक्षिणी को देखता है तो बस देखते रह जाता है। बॉटल के अंदर कैद होने के बावजूद भी कामेश्वरी यक्षिणी इतनी मनमोहक थी कि वो तो बस उसे देखते ही रह गया था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रशांत अपने आप पर से अपना काबू खोने लग गया था। एक पल के लिए तो उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया था, पर जैसे ही उसकी नजर वापस अनुराग पर पड़ती है वो अपनी इंद्रियों पर वापस काबू पाने लग जाता है। उसके अंदर का डर वापस से जागने लग जाता है। अनुराग उस बोतल को अपने हाथ में उठा लेता है जिसके अंदर कामेश्वरी यक्षिणी कैद थी। अनुराग उस बोतल को ठीक अपने चेहरे के सामने लाता है ताकि वो कामेश्वरी यक्षिणी को और कामेश्वरी यक्षिणी उसे अच्छे से देख सके, दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाकर बात कर सके। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को देखते हुए नम लहजे के साथ कहती है, लेखक बाबू आप आ गए मुझसे मिलने। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।